अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, कि मेटल रिएक्ट कैसे करेगा नॉन मेटल के साथ। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जब कोई एलिमेंट किसी रिएक्टिविटी में आता है तो उसको कहते हैं हम कि उसने वैलेंस शेल में कम्प्लीटली फिल हो चुका है, यानी उसका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। मेटल के जो एटम हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से और वो कैटायन बनाते हैं। बट एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। लेकिन नॉन मेटल के जो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उन्हें बोलते हैं हम अनायन। इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 28 और उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसे बोलेंगे हम सोडियम कैटाइन। लेकिन दूसरी तरफ क्लोराइड जो कि एक नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, क्योंकि उसके 17 एटॉमिक नंबर है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 288 और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसे बोलेंगे क्लोराइड आयन।